हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को इंक्रीज कर सकते हैं, बैटरी टाइमिंग को। कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है या स्मार्टफोन जो है कुछ ज़्यादा बैटरी जो है वो ड्रॉप कर रहा है या कुछ ज़्यादा उसका बैटरी जो है बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसे बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरा नाम है साद, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साद। तो चलिए देखते हैं सब इस इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ 8 टू 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके जरिए आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो है अपने जो भी अननेसेसरी रेडियो है उसे ऑफ कर दें। मतलब कि अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तभी उसे ऑन करें, तो उसके बगैर आप उसके अलावा उसे ऑन ना करें, क्योंकि वाईफाई यूज़ करने से आपकी बैटरी जो है थोड़ी खर्च होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है GPS या फिर लोकेशन। तो अगर आप GPS या लोकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप तभी उसे ऑन करें या फिर टर्न ऑन करें, उसके बगैर आप उसे टर्न ऑन ना करें, क्योंकि GPS जो है सबसे ज़्यादा बैटरी आपकी कंज्यूम करता है और आपकी बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रॉप ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो आप जो है अगर मोबाइल डेटा, GPS, वाईफाई वगैरह, ये सारे जो ब्लूटूथ वगैरह जो भी सेंसर या रेडियो सिग्नल्स वगैरह के जो सोर्सेज हैं, आप उन्हें जब यूज़ नहीं कर रहे तो आप उन्हें बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि वो GPS उनका कुछ काम नहीं होता, वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और उनका GPS जो है या फिर लोकेशन जो है वो ऑन होता है, तो आप उन्हें टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो आपकी बैटरी टाइमिंग इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये कि आप लाइव वॉलपेपर्स वगैरह या फिर अनयूजफुल या फिर आप जो अननेसेसरी विजेट्स वगैरह ना यूज़ करें। अब लाइव वॉलपेपर्स तो काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बैटरी जो है थोड़ी बहुत भी मतलब आपको इंक्रीज़ करनी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लाइव वॉलपेपर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो लाइव वॉलपेपर जो है हमेशा जो है स्क्रीन को आपके मोशन में रखता है, जिसकी वजह से उसके पिक्सल जो है मूवमेंट होती रहती है और आपके बैटरी टाइमिंग जो है कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको बैटरी जो है काफ़ी डिक्रीज मिलती है आपकी। आपको पता लगता होगा कि आपकी बैटरी जो है काफ़ी जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही है। तो आप जो है लाइव वॉलपेपर को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपको वॉलपेपर अच्छे यूज़ करने हैं तो आप कोई स्टेटिक HD वॉलपेपर या फुल HD वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। लाइव वॉलपेपर यूज़ ना करें अगर आपको अपनी बैटरी जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। और आप जो विजेट्स देखते हैं, जैसे कि वेदर का विजेट होता है या क्लॉक का विजेट होता है, तो आप ये सारे अगर आपका इसका काम बिल्कुल भी आप इसके यूज़लेस है तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, तो ये भी जो है क्योंकि चार्ज आपका डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लाइव वॉलपेपर और विजेट यूज़ ना करें अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी आपकी बैटरी टाइमिंग इंक्रीज़ हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये कि आप अपने ब्राइटनेस को हमेशा कम रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर वो कहीं आउटडोर पे यूज़ कर रहे होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, तो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इनडोर पर आते हैं तब भी उनकी मोबाइल की ब्राइटनेस जो है वो हाई पर होती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राइटनेस को अपने हिसाब से रखें, मतलब इतना रखें कि आपको नज़र आए, इतना बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हाई पे ना कर दें अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राइटनेस को, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप होती है, क्योंकि ब्राइटनेस अगर आप हाई करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंडोर हैं या फिर कहीं अपने हिसाब से अपने ही मुताबिक आप ब्राइटनेस को सेट करें या एडजस्ट कर लें, आप उसे फुल हाई पे ना रखें, क्योंकि इससे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्दी जल्दी ड्रॉप होती है। चौथा पॉइंट ये है कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में जो है आप लोगों को देखा होगा कि उसमें पावर सेविंग मोड होता है। तो पावर सेविंग मोड असल में करता क्या है कि आपके प्रोसेसर को या आपके GPU को लिमिट कर देता है, ताकि जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावर ना दे पाए और जो आपका GPU ज़्यादा पावर ना दे पाए, जिसकी वजह से आपकी बैटरी काफ़ी हद तक आपकी बैटरी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर जब भी आप जो है हेवी टास्किंग नहीं कर रहे हैं या फिर हेवी गेम्स वगैरह या हेवी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है पावर सेविंग मोड यूज़ करें। जैसे कि अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह या ब्राउज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो पावर सेविंग मोड ऑन रखें, और जब आप गेम खेल रहे हैं या फिर हेवी यूसेज कर रहे हैं तो आप पावर सेविंग मोड को ऑफ कर सकते हैं। वैसे आप गेम खेलते वक्त भी पावर सेविंग मोड को ऑन रख सकते हैं, इससे भी आपकी बैटरी जो है थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन गेम खेलते वक्त या हेवी यूसेज करते वक्त अगर आप पावर सेविंग मोड ऑन करते हैं
तो इसका जो है डिसएडवांटेज ये है कि आपको थोड़े बहुत लैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं हो कि आप पावर सेविंग मोड ऑन करने के बाद भी वो गेम को सही से रन कर सके। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो पावर सेविंग मोड ऑफ कर दें, और जब आप गेम वगैरह नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल यूसेज कर रहे हैं, कॉल वगैरह या टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप पावर सेविंग मोड को ऑन कर दें, जिससे आपकी बैटरी टाइमिंग इंक्रीज होने के बहुत से चांसेस हैं। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट ये है कि आप लोग में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बहुत से मोबाइल फोन्स में कंपनी जो है कहती है कि इसमें एमोलेड स्क्रीन है। अगर आपके मोबाइल में एमोलेड डिस्प्ले है तो आप एक चीज कर सकते हैं जो है कि आप वॉलपेपर जो है ब्लैक यूज करें, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में एमोलेड डिस्प्ले है तो एमोलेड डिस्प्ले में होता क्या है कि अगर आपको कहीं ब्लैक कलर चाहिए होता है तो वो पिक्सल को ऑफ कर देता है। अगर बात करते हैं IPS डिस्प्ले की, जो नॉर्मल डिस्प्ले होता है ज़्यादातर मोबाइल्स में आता है, जो कि वो क्या करता है, अगर आपको कहीं पर ब्लैक कलर चाहिए होता है स्क्रीन पे तो वो स्क्रीन के कलर को ब्लैक कर देता है उस हिस्से को। लेकिन अगर आप एमोलेड डिस्प्ले है आपके मोबाइल में, तो एमोलेड डिस्प्ले में होता ये है कि अगर आपको कहीं पर ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर के लिए वो जो है स्क्रीन को पूरा ही टर्न ऑफ कर देता है उस एरिया को, ताकि कलर ब्लैक हो जाए। तो अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले है तो आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज करें, इससे भी आपकी बैटरी टाइमिंग काफी इंक्रीज हो सकती है। छठा पॉइंट ये है कि आप अपने मोबाइल फोन में कभी भी बूस्टर वगैरह यूज ना करें, जो कि बैटरी बूस्टर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैटरी बूस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि आपको बैटरी जो है 50% या 20% 30% इंक्रीज कर देंगे। तो आप ऐसे एप्लीकेशन को बिल्कुल भी यूज ना करें, खास तौर पर बैटरी बूस्टर एप्लीकेशन को। ये आपकी बैटरी को इंक्रीज नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी और जल्दी ड्रॉप ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो आप बैटरी बूस्टर भी बिल्कुल भी यूज ना करें। सातवां पॉइंट ये कि आप अपने स्क्रीन के टाइम आउट को शॉर्ट रखें, मतलब अगर आपके मोबाइल फोन जो है 15 सेकंड में ऑफ हो जाता है स्क्रीन मोबाइल फोन का, तो आप उसे 15 सेकंड से कम रखें, या 10 सेकंड, या 5 सेकंड, या फिर 30 सेकंड रखें। तो इससे आपका फायदा ये होगा कि आप जो काफी दफा आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन ऐसे ही रखकर छोड़ देते हैं, तो मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है अगर आपके एक घंटा या फिर नेवर पे लगा हुआ स्क्रीन का टाइम आउट, तो मोबाइल फोन की स्क्रीन कभी ऑफ होती ही नहीं है आप मोबाइल फोन रखकर अगर छोड़ देते हैं। तो आप मोबाइल फोन की स्क्रीन का टाइम आउट जितना शॉर्ट रखेंगे उतना आपके बैटरी के लिए इफिशियंट हो सकता है। अगर बात करते हैं आठवें पॉइंट की, तो आठवां पॉइंट ये है कि आप हमेशा उस सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें जो कि आप यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो हम यूज नहीं करते, तो आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि इस एप्लीकेशन को यूज करने से हो सकता है आपके मोबाइल फोन के बैटरी जो है वो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन, और आपके मोबाइल फोन की बैटरी जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आप जो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं तो वो सारे एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।